नाज़रीन, पाकिस्तान के इर्द गिर्द ऐसे वाकयात रूनमा हो रहे हैं जिनका पाकिस्तान की दिफा पर और पाकिस्तान की सफारतकारी पर गहरा असर पड़ेगा। अमेरिका ने ईरान के ऊपर सख्त इक्तसादी पाबंदियाँ नाफिज कर दी हैं और अमेरिका का ख्याल ये है कि इन तकालीफ की वजह से ईरानी अवाम अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे। लेकिन बाद मुबसरीन कहते हैं कि ईरान ने अभी तक इन तमाम पाबंदियों का बड़ी जुर्रत और ज़हानत से मुकाबला किया है और आगे आने वाले दिनों में भी ईरान इन पाबंदियों का बड़ी हिकमत से मुकाबला कर सकेगा। अफ़गानिस्तान में $1 ट्रिलियन खर्च करने के बाद और 17 साल की बेसूद लड़ाई के बाद यूँ लगता है कि अब अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि वो अफ़गानिस्तान से अपनी अफवाज का बड़ा हिस्सा निकाल लेगा, तालिबान से मुज़ाकरात के ज़रिए एक मुश्तरका हुकूमत वहाँ कायम की जाएगी। कबाहत यह है कि इस सारे मरहले में अमेरिका ये चाहता है कि हिंदुस्तान को अफ़गानिस्तान में एक मरकज़ी किरदार जो है वो अता किया जाए जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन हमारा दरअसल आज का मौजू तो 2018 के बाद बनने वाली हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में है। गो के दुनिया ने अमूमी तौर पर पाकिस्तान के इलेक्शंस को मुनसिफाना और शफाफ करार दिया है, लेकिन लगता यह है कि हिजब इख्तलाफ की पार्टियां इस इलेक्शन को मुतनाज़ बनाकर असम्बली में और उसके बाहर अपनी सियासत को एक कुव्वत बख्शना चाहती हैं। हमने यह भी देखा कि पिछले 1.5 साल में रियासती इदारे, खसूसन सुप्रीम कोर्ट, नैब, इलेक्शन कमीशन, FIA ने बहुत मेहनत के साथ जिसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ और करप्शन के ख़िलाफ़ बहुत मुस्बत इकदामात किए हैं। क्या ये एक आर्जी रद्देअमल है या हम आने वाले दिनों में इन इदारों को और मज़बूत होते हुए देख रहे हैं? इलेक्शन को तकरीबन 15 दिन गुजर गए हैं और अभी तक PTI ने तमाम सूबों में, 3 सूबों में और मरकज़ में अपनी हकूमत साजी का मुकम्मल ऐलान नहीं किया। बाज़ लोग कहते हैं कि शायद PTI के अंदर कोई इख्तलाफ है या मुख्तलिफ़ प्रेशर ग्रुप जो हैं वो अपनी अपनी हमायत के सिलसिले में अब अपनी कीमत मांग रहे हैं। पाकिस्तान को दरअसल इस वक्त बड़ा मसला माशी मसला है और PTI किस हिकमत हमली के साथ अपनी मईशत को दोबारा मुतहरक करेगी, इससे PTI की कामयाबी की एक बहुत बड़ी दलील मिलेगी। ये है हमारे आज के ज़ेर बहस प्रोग्राम के मौजूआत। मैं हूं कबूल, मेरे साथ शामिल हैं प्रोफेसर साजिद साहब, प्रोफेसर राना एजाज साहब, आप दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी की सीनियर फैकल्टी से हैं। थोड़ी देर बाद हमारे साथ डॉक्टर हुमायूं बकाई और डॉक्टर शाक हसन भी शरीक होंगे। सवाल यहाँ से हम शुरू करते हैं कि इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद यूरोपियन यूनियन ने, फाफिन ने, कल पिलदाट ने और इदारों ने जो है वो इन इलेक्शन को अमूमी तौर पर शफाफ और मुनसफाना करार दिया है, गो के इलेक्शन के रिजल्ट्स की ट्रांसमिशन के ऊपर तनकीद हुई है, हमने भी इसकी बात की है। गलियों और मोहल्लों में तो इस पर एहतजाज नहीं हुआ, लेकिन अब जो 8 अगस्त का एहतजाज था उस पर हिजब इख्तलाफ ने यह फैसला किया है कि वो असम्बली में जाकर इस पर एहतजाज करेंगे और एक पार्लिमानी कमीशन बनाने की जो है वो इसके ऊपर कि हम पार्लिमानी कमीशन बनाने के ऊपर इसरार करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जो ये इलेक्शन को मुतनाज़े बनाकर हिजब इख्तलाफ PTI पे दबाव डालना चाहती है, अपनी सियासत इस मौजू पे करेगी या जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने इस मौजू के ऊपर रियासती इदारों पे तनकीद की है, दरअसल ये इस इलेक्शन को मुतनाज़े बनाकर रियासती इदारों को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की जा रही है और क्या ये कोशिश कामयाब होगी? राना साहब आप बताइए ना। जी, असल में बात यह है कि पहली बार आपने देखा है 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान के बड़े बड़े जो सियासी ज़ोमा थे उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब वो स्टेट ऑफ डिनाइल में है, उनको यकीन नहीं आ रहा कि वो हार चुके हैं।
پہلے وہ الیکشن سے پہلے خلائی مخلوق کا نام لیتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ اس کی سرکردگی میں الیکشن جیتے رہے تھے. اس بار چونکہ انہوں نے خود ہی الیکشن سے پہلے ان کو گالی گلوچ ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیا, انہوں نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہار گئے. اب وہ ہارنے کے بعد انہوں نے اپنی فیس سیونگ کے لیے کچھ تو کہنا ہے کہ یہ ہمیں شفاف الیکشن نہیں ہوئے. اس حوالے سے خاص طور پہ میں کہوں گا پی ایم ایل این عمومی طور پہ پیپلز پارٹی نے اور بہت ہی بھونڈے انداز میں ایم ایم اے نے جو ہے اس کی مخالفت کرنا شروع کر دی. ایک سیکنڈ راز صاحب, کیا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا جو یہ رد عمل ہے کہ ہم اس موضوع کو لے کے پارلیمنٹ میں جائیں گے وہاں اس پہ احتجاج کریں گے, کیا ہم اس کو بطور ایک ان کے سیاسی جماعت کے ہم اس کو ان کے میچور ہونے کا اور ایک بڑا کہنے بڑا وائز ڈیسیشن کہہ سکتے ہیں؟ بالکل, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ یہ ان کی مجبوری ہے اور یہ بلاول یا پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ جو ایم ایم اے کر رہے ہیں یہ بالکل ایک غیر جمہوری طریقہ ہے اور کسی بھی مہذب ملک میں قابل قبول نہیں ہے. تو انہوں نے بلاول نے اس کو اپنی بلوغت کا اظہار کیا ہے کہ اس طریقے سے کہا کہ جی ہم اس کو پارلیمنٹ میں جا کر انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے مولانا فضل الرحمان کے اس بیان کی جو انہوں نے حال ہی میں. ساجد صاحب یہ بتائیے کہ اگر پارلیمنٹ میں ہم یہ چیز کہتے ہیں اس پہ پارلیمنٹری کمیشن بنے اور پورا الیکشن متنازع ہوا اور کہیں جناب دیکھیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کیا مداخلت ہے, کیا اس قسم کی ٹی او آر کے ساتھ پارلیمنٹری کمیشن بننا چاہیے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ میں ابھی گننے کی کوشش کر رہا تھا کہ کتنے الیکٹیبلز ہیں جو پی ٹی آئی نے لیے اور وہ ہار گئے. درست ہے, اگر اسٹیبلشمنٹ کو رول پلے کرتی نذیر جٹ صاحب جیت جاتے, فردوس آشر کوان صاحب, سمیع بخاری, کھوسا صاحب, کتنے سارے لوگ تھے جو جتوائے جا سکتے تھے اور عمران خان صاحب بڑے آرام سے حکومت بناتے اور کام چلاتے. دیکھیے اصل میں جو پرابلم ہے وہ ان دو میجر پولیٹیکل پارٹیز کا اتنا نہیں ہے جتنا چھوٹی پارٹیز کے کچھ ایکٹرز جن کو کچھ نہیں ملا اور ہمیشہ ہر دور میں ملتا رہا اور وہ ایکسپلائٹ کرتے رہے پولیٹیکل مینوورنگ کے تھرو اپنی پوزیشن کو, اور اس دفعہ انہیں موقع نہیں مل رہا. اور کچھ آپ کو ایک چیزیں میں معذرت اس کی طرف بعد میں آتا ہوں جو رانا صاحب ابھی بات کر رہے تھے, ہم نے فضل الرحمان صاحب کی بات کی. دیکھیے ایک خاص ایجنڈے کے تحت فاٹا کے مرجر کو روکنے کی کوشش کی گئی, پھر پشتون آئیڈینٹی اور اس کے اندر مذہب کو ختم کیا جا رہا کا آرگومنٹ دیا گیا, اب ایک خاص قسم کا نیریٹو انہوں نے بلڈ کرنے کی کوشش کی جو کہ انتہائی نیگیٹو ہے, لیکن ایک اچھی چیز یہ ہے کہ عوام نے اس کا رسپانس نہیں دیا. میں تھوڑا سا آپ کا موضوع بدلوں گا, اب میں آتا ہوں کہ جو دو میجر پارٹیز ہیں جو پارلیمانی کمیٹی, بالکل ٹھیک ہے جی, میں تو بڑا راضی ہوں اس بات پہ کہ آپ ایک کمیشن بنائیں جس میں تمام پارٹیز کے ممبرس ہوں اور وہ باقاعدہ جتنا الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے دیکھ سکیں اور جو سفارشات دے سکیں اور الیکشن کمیشن کو بیفور ٹائم ریکمنڈیشنز دیں تو ٹھیک ہے, اور اس کو بھی پروب کرنے اگر اس کو کرنا. دوسری طرف ہم چلتے ہیں, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ریاست کو خود دیکھنا چاہیے کہ اگر الیکشن کے نظام میں کچھ خامیاں رہ گئی ہیں, خاص طور پہ الیکشن کے جو ریزلٹس کو آگے بھیجنے میں, اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سارے سسٹم کو ٹیکنالوجی بیس کریں, اس پہ بھی کئی ایک سے زیادہ رائے ہیں, ریاست کو خود کوشش کرنی چاہیے کہ ان خامیوں کو دور کرے. ہم اگلی طرف چلتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ پچھلے ڈیڑھ سال سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے حکومتی ادارے بڑے متحرک ہیں, سپریم کورٹ نے میڈیکل کالج ہو, آپ کی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر کی بات ہو, پیپلز پارٹی کی جو منی لانڈرنگ ہے اس کو بھی آگے چلانے میں سپریم کورٹ کا ہاتھ ہے. نیب نے لاہور میں پی ٹی آئی, پی ایم ایل کیو اور پی ایم ایل این کے جو یہ پرائیویٹ صاف پانی کمپنی, یہ ہاؤس آشان ہاؤسنگ اسکیم, سب کے اوپر بڑی سخت گرفت کی ہے. ایف آئی اے منی لانڈرنگ کو دیکھ رہا ہے. الیکشن کمیشن نے پہلی دفعہ انتخابات میں جو انتخابی کہہ لیں, موریلٹی کہہ لیں یا ایتھکس ہے, آپ نے مہر سب کے سامنے کیوں لگائی, گالی کیوں دی, ان سب کے اوپر بڑا سخت اقدامات کیے ہیں جس سے یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں لوگ رول آف لاء اور احتساب کی طرف جا رہے ہیں. کیا یہ ایک ان کا عارضی رد عمل تھا؟ اگر اس کو مستقل بنانا ہے تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اور اگر ان اداروں کو مضبوط کرنا ہے, آپ سمجھتے ہیں تمام سیاسی پارٹیاں, پی ٹی آئی کا تو یہ منشور ہے, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, ان اداروں کو مضبوط کرنے میں رضا مند ہوگی؟ کیا ہم ان کو مضبوط کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے کوئی کرپشن کی ہو یا جن پہ الیجڈلی ایگزامز ہوں اور الزام ہو اور ان کو پروب کیا جائے تو وہ یہ راضی ہوں گے کرنے کے؟ دیکھیں دو ہی طریقے ہیں, ایک تو طریقہ یہ ہے کہ میسج سارے کھڑے ہو جائے جیسے ملیشیا میں کھڑے ہوئے اور پھر جو ہے ان کا احتساب ہو سکے, لیکن ہمارے چونکہ انفارچونیٹلی آئیڈینٹیٹیز کو انووک کیا جاتا ہے, وہ چاہے صوبائیت ہو, چاہے ذات برادری ہو, چاہے وہ
और 100 तरीके हैं जिस तरह से मैनूवर किया जाता है पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसको। हम ऑलरेडी जनरल साहब ग्रे लिस्ट में हैं, इकोनॉमी की हालत बहुत बुरी है, हमारे इन इंस्टीट्यूशंस को डिलीवर करना पड़ेगा। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर ये पार्टीज एग्री नहीं भी करती तो कम अज़ कम इमरान खान को, जो हमेशा से उनका आर्गूमेंट रहा है कि मैं इंस्टीट्यूशंस को बनाऊँगा, अदारों को मजबूत करूँगा, उन्हें कम अज़ कम इसके साथ चलना चाहिए। और पाकिस्तान की हुमायूं बकाई आती हैं तो ले लीजिए लाइन पे। मुझे सॉरी हुमा बकाई राणा साहब, मुझे किसी ने यह बताया है पीटीआई में कि खान साहब कहते हैं पार्टियों को साथ मिलाओ, ग्रुप्स को साथ मिलाओ, लेकिन जहाँ इंतसाब की बात आएगी मैं इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मेरा सवाल आपसे ये है, ये जो इंतसाब का अमल चल रहा है इसके नतीजे में सबसे ज़्यादा नुकसान पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को पड़ेगा। क्या आप आने वाले दिनों में देख रहे हैं कि इसकी जद में आकर उनकी मकबूलियत में कमी आएगी? हमारे साथ डॉक्टर बकाई मौजूद हैं जी। जी राणा साहब बताइए, क्या आप समझते हैं कि ये असल में यही वो बात है कि जिसकी वजह से हिजब इख्तलाफ जो है वो इकट्ठी हुई हुई है, क्योंकि वो पता है कि माजी में बहुत ज़्यादा बदनवानी के शिकार रहे हैं और वो पहले आपस में डील कर लेते थे और बचत हो जाती थी, लेकिन उनको ये बात पता है कि इमरान खान ने किसी सूरत में भी इनके साथ किसी किस्म की डील नहीं करनी, किसी किस्म का NRO साइन नहीं होना, तो उनको अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से गुजरना पड़ना है। उस अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से बचने के लिए ही ये जो आज वो सारा बवेला मचा रहे हैं या पार्लियामेंट्री कमीशन की बात कर, जिसे कहते हैं वक्ती जो कॉम्प्रोमाइजेज हैं उनको मद्देनजर ना रखते हुए। वेलकम डॉक्टर बकाई। लोग ये कहते हैं कि पीटीआई बुनियादी तौर पर एक एहतजाजी पार्टी है, इन्होंने ऐसे लोगों से इलहाक किया है जिनके नज़रियात पीटीआई से नहीं मिलते, अब जब उनको इन पार्टियों के साथ सौदेबाजी करनी पड़ेगी तो बहुत कुछ जो अपना मंशूर था उससे उनको इनहराफ करना पड़ेगा और इस नतीजे में पीटीआई का अपना ग्राफ कम होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई मिलकर काम कर सकती हैं? मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि अभी तक जो आप देख रही हैं कि जिस तरह पीटीआई ने आज केपीके में कल चीफ मिनिस्टर को नॉमिनेट किया, आज असद कैसर साहब को, गवर्नर सरवर साहब को और स्पीकर साहब को नॉमिनेट किया, आप देख रही हैं कि जो पीटीआई के अंदर जिन लोगों को अहदे दिए जा रहे हैं उसके पीछे पीटीआई की एक सोच है और वो अपने मंशूर से इनहराफ नहीं कर रहे? देखिए, कोशिश भी है और सोच भी है, लेकिन ये जो इस वक्त डिबेट है ये मुझे समझ में नहीं आ रही। या तो हम हर गंद बर्दाश्त करने को तैयार थे, या तो हम करप्ट ट्रैक रिकॉर्ड जिन लोगों का करप्शन का था उनको भी इम्पोर्टेंट ओहदों पर देखने को बैठने को तैयार थे और उनके लिए एक दूसरे को जस्टिफिकेशन दिया करते थे और खड़े होकर उनको उनकी इज्जत और ताजीम किया करते थे, या अब हम चाहते हैं कि ओवरनाइट कोई ऐसी जमात आ जाए जो इस गन से बिल्कुल मुबर्रा हो जाए? मतलब ये दो एक्सट्रीम के बीच में तो नहीं चल सकता ना। जो ट्रांजिशन आ रही है, जो चेंज आ रही है वो ग्रेजुअली आएगी। मेरे ख्याल से कोशिश और काविश की तरफ भी देखने की जरूरत है। मैं एक जुमला कहती हूँ कि सी इफ देयर हार्ट इज इन द राइट प्लेस, क्या उनकी नीयत साफ है और क्या आपको लगता है कि वो उससे काम कर रहे हैं, या हम इसलिए बैठे हैं कि क्योंकि तुम बुराई को बुरा कहते थे तो अगर तुम एक कदम भी टेढ़ा रखोगे तो हम तुम्हें भी घसीट के नीचे गिरा देंगे। दुरुस्त कह रही आप। तो और अभी तक की जो सिलेक्शन है या जो आप उनका एक तरीका कार देख रहे हैं, हम दुनिया में भी देखते हैं, ट्रंप के ऊपर बड़ी तनकीद होती है कि वो अकेले बगैर इदारों की मशावरत वगैरह फैसला करते हैं, हम कहते हैं हिंदुस्तान में जो है वो इंतहा पसंद मोदी को लेके चल रहे हैं। जो आप पीटीआई के अंदर इस वक्त एक लाया अमल देख रही हैं जिसमें हमें नज़र आता है दूर से मशावरत है, सारा दिन बैठकर मीटिंग्स हैं और फिर स्पोक्समैन बड़े कम लोग चुने हुए और बड़ी मोहतात बातें कर रहे हैं, उससे कुछ ये अंदाज़ा ये लगता है कि ये इस पार्टी में एक क्या कहें पॉलिटिकल विजडम है और ये एमेच्योरिश नहीं है? मेरा तो ख्याल है कि इस वक्त पॉलिटिकल कॉशन है, क्योंकि उन्होंने तवातुर के साथ हर जमात पर इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म किया है कि ये जाहिर है कि अब तमाम जमातें सांस रोक के देख रही हैं कि एक गलती करें और हम इन्हें जीतें। तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कॉशन है जिसके साथ पीटीआई आगे बढ़ रही है और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। एक रिवायत, एक नई रिवायत बन रही है
ठीक कि आपको अपने हर एक्ट हर एक्शन का जवाब देना है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं डॉक्टर बकाई जी, मैं और कंप्लीट करने दीजिए, आपने दो बातें कही, आपने कहा कि क्या ट्रंप और मोदी, देखिए ट्रंप और मोदी को दोनों को, एक को अमेरिकन कॉर्पोरेट सेक्टर ने सपोर्ट किया था और दूसरे को इंडिया की कॉर्पोरेट सेक्टर ने सपोर्ट किया था, ये बिजनेस कम्युनिटी के प्रॉपर्स हैं। इनका शायद तवाज़ुन यहाँ इमरान खान नहीं है, इमरान खान बिल्कुल नए मुहर्रकात की वजह से ऊपर आए हैं, और मैं ये नहीं कह रही कि वो कोई गलती नहीं करेंगे, वो भी गलती करेंगे, उनकी तो ना तजर्बेकारी दूसरों से बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी नीयत साफ। ठीक, मैं आपसे अगला बात जो पूछना चाहता हूँ, सॉरी मैं आपको काटते हुए एक और आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। लोग कह रहे हैं कि आपने एमक्यूएम के साथ इलाक किया, बलूचिस्तान में आपने बीएनपी के साथ, मैंगल साहब की पार्टी के साथ इलाक किया, अब ये वो पार्टियाँ हैं जिनका सरकार के साथ झगड़ा है। मैंगल साहब कहेंगे बलूचिस्तान में फौज को निकालो, एमक्यूएम कहेगी रेंजर्स के ऑपरेशन जो है वो ख़त्म करो। ये आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि पीटीआई के लिए चैलेंज होगा। आप समझती हैं कि पीटीआई जो है वो इन जमातों से, इस हिकमत से निपटेगी कि रियासत के मकासद भी नज़रअंदाज ना हो और इन पार्टियों के साथ राबता भी जो है वो उनका खुशगवार रहे? देखिए एमक्यूएम और जो बलूचिस्तान की जमात है वो बिल्कुल डिफरेंट एंटिटीज हैं। एमक्यूएम तो खुद एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है और हमेशा ताकतवर के साथ इल्हाक करके उसने अपनी सियासी बका उसमें देखी है, तो इस वक्त जो एमक्यूएम ने किया है इसमें मुझे कोई नई चीज नहीं नजर आई। ठीक ठीक, अगर वो अपोजिशन के साथ जाके खड़े होते तो वहां ना उनका कोई कद होता ना उनका वजन होता। पीटीआई के साथ आने से उनकी सियासी कद में भी असर हुआ है, उनकी सियासी वजन की कोई बकत है? ठीक ठीक, वो इसी को साथ लेकर आगे चलेंगे और पीटीआई के साथ जो कॉम्प्रोमाइज है वो भी करेंगे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर बकाई फॉर जॉइनिंग अस। मुझे तरफ कहने के लिए जा रहा है, नाज़रीन ब्रेक पे चलते हैं और बाद में इसी मौजू को लेकर आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन बात हो रही थी कि पीटीआई अपनी इब्तदाई हुकूमत के इब्तदाई दिनों में किस किस्म की डिलीवरी आवाम को दे सकेगी। साजिद साहब, हम बात ये करते हैं कि पाकिस्तान में हमेशा ये सियासी हुकूमतें कहती हैं हम पर इस्टेब्लिशमेंट का बहुत दबाव था, नवाज शरीफ तो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ते लड़ते अपने आप को एक गलत मुकाम पर ले गए। मैं उस दिन पढ़ रहा था, हमारे अल्लाह ताला उनको कोई अच्छी हिदायत दे, हुसैन अकानी साहब ने किसी सेमिनार में अमेरिका में कहा अनकरीब इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान में झगड़ा हो जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को चलने नहीं देगी क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का अपना नज़रिया है हिंदुस्तान के बारे में, अफ़गानिस्तान के बारे में। क्योंकि एक और इंडियन राइटर ने राजा मोहन, उन्होंने लिखा ये होता कि अगर इमरान खान एक अच्छी हुकूमत चलाता है तो इस्टेब्लिशमेंट को इससे क्या एतराज़ होगा। तो आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि ये तो यकीनी बात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल होता है, आप देखते हैं कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर मुल्क के मुफाद के लिए काम कर सकते हैं? बिल्कुल जी, एक तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अगर आप थोड़ा सा डीपली अमेरिकन जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं और जो अमेरिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसको आप देखें, अब ट्रंप के स्टाइल ऑफ गवर्नेंस को देखें और उनके बयान को देखें और उनकी अब की पॉलिसीज़ को देखें, आपको लगेगा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब आपका पॉलिटिकल एलीट गवर्नेंस नहीं दे सकता, करप्शन करता है और फिर अवाम उससे तंग आ जाते हैं, उसको उस स्पेस को जो क्रिएट होती है उसको फिल करने के लिए हमेशा इस्टेब्लिशमेंट आती रही है, ब्यूरोक्रेसी आती रही है। इस वक्त पाकिस्तान जिस हालात से गुजर रहा है, मैं आपको रोक टोक एक और चीज़ को शामिल करना चाहता हूँ, एक और भी नुकते को देखिए, आपने कहा गवर्नेंस करप्शन और एक और चीज़ का जिक्र किया, मैं आपको एक और इशारा देता हूँ, पाकिस्तान अभी भी एक सिक्योरिटी स्टेट है। एक और भी मसला है यहाँ पर, वो ये है कि जब हमारे सियासी जो रहनुमा हैं वो एक जल्दबाजी में या एक सस्ती मकबूलियत के लिए सिक्योरिटी इशू पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं
वहाँ भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक झगड़ा शुरू होता है, इस पर भी रोशनी डालिएगा। ये मैं इसी तरफ अब आ रहा था कि एक तरफ तो इमरान खान साहब जो हैं वो उनके अंदर आपको ये एलिमेंट्स नजर नहीं आएंगे, ही विल ट्राई हिज लेवल बेस्ट के गवर्नेंस अच्छी हो, करप्शन ना हो, दुरुस्त। लेकिन दूसरी तरफ जो जहाँ पे डिसएग्रीमेंट होता रहा है वो है सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी और इन इशूज़ के ऊपर। अगर आप इस्टेब्लिशमेंट का एक माजी पढ़ें तो आपको नज़र आती हैं चीज़ें कि इस्टेब्लिशमेंट ने इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर वॉर ऑन टेरर पे बड़ा काम किया, लेकिन पाकिस्तान और दुनिया की जो स्ट्रेटेजिक कंडीशन है वो बिल्कुल बदल गई है। इस वक्त इस खित्ते की जो डेवलपमेंट है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है जो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, जो वेस्टर्न इस्टेब्लिशमेंट की इंटरेस्ट रही हैं। जो एक खूबसूरत चीज़ मुझे नज़र आती है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त प्रो पाकिस्तान इंडिजिनस पॉलिसीज हैं एग्जैक्टली वही इमरान खान साहब का स्टांस है। दुरुस्त। तो मुझे नहीं लगता कि जो इंटरनल अफेयर्स हैं और जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उसके अंदर कहीं इनका कॉन्फ्लिक्ट आएगा। मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ, मैं चाहता हूँ इस पर भी आप रोशनी डालिएगा। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है, हकानी साहब का वजीर हमारे सफ़ीर है वहाँ पर, और उस वक्त याद है आपको वो एक तरमीम आती है जिसमें पैसा आता है, पीछे उसकी खबरें ये थी, हमारे सिक्योरिटी के लोग कहते थे कि जनाब पीपल्स पार्टी हुकूमत ने अमेरिकनों को ये यकीन दिलाया है हमें पावर में लाएं, हम न्यूक्लियर इशू पर आपकी बहुत मदद करेंगे। अच्छा, फिर आते हैं नवाज शरीफ साहब और उनके जो रابطे बढ़ते हैं इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो भी एक ऐसा तसव्वुर जाता है, तासुर जाता है कि जैसे जो सियासी हुकूमत है वो हिंदुस्तान के मामलों पर जो कौमी मफादात हैं उनको वो मुकदम नहीं रख रही। तो क्या इस किस्म का झगड़ा एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान के, देखें एक तो एक ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट से जो पॉलिटिक्स को खुद समझता है, आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो किसी इंटरनेशनल फोर्स या एक्टर के हाथों में खेलेगा। दुरुस्त है। इज अ वेरी इंडिजिनस गाय और वो अपनी आइडेंटिटी पे, अपने कल्चर पे, अपने मुल्क पे हमेशा फख्र वो महसूस करते रहे हैं इमरान खान साहब। जो असल बात है वो ये कि पाकिस्तान की पॉलिसी के अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट आया है, हम मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम किसी का पपेट बने इंटरनेशनल उस जो है अरीना के अंदर और हम उनकी जंग या उनकी पॉलिसीज को टो करें। और मेरा ख्याल है ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो चलते नजर आएंगे। जहां तक इंडिया का फैक्टर है, जेन में रखिए कि आप ज़रा इमरान खान साहब ने बड़ी ही मेच्योरिटी की बात की है, उन्होंने बिल्कुल कहा कि जी हम इंडिया से बिल्कुल तजारत भी करना चाहते हैं लेकिन कोर इशू कश्मीर, यही वो मेजर इशू है जिसके ऊपर हमेशा एस्टेब्लिशमेंट का आर्गुमेंट रहा है कि कश्मीर का इशू हल होगा तो हमारे इंडिया के साथ मामला। मेरी जब कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से, पुराने दोस्तों से बात होती है, वो हमेशा ये कहते हैं कि जब यहाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट भी थी तो हम उन्हें खुल के कहा करते थे कि जनाब हमारी मदद लें, हम हर उस मामले में जिसमें हमारे पास एक एक्सपर्टीज है हम आपके मददगार साबित हो सकते हैं। दूसरा मुझे अब जो लोगों ने बताया है कि इस वक्त सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक बहुत बड़ी खुशी की लहर है कि हम वो एक ऐसी हुकूमत देख रहे हैं जो कौमी मफादात का इतना ही दिफा करेगी जितनी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट करेगी। लिहाजा वो कहते हैं कि हम तो ऐसी हुकूमत को पीछे रहकर उन मामलात में और सपोर्ट करेंगे जहाँ पर हमारी कुछ एक्सपर्टीज है। देखिए ना, पाकिस्तान में मुश्किल इलाकों में सड़कें बनाना, बंदरगाहें बनाना, चीन के साथ तजारत के मामलात में सिक्योरिटी फ्राहम करना, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें आपकी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की एक बड़ा तजुर्बा है। तो ये मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि सर मुझे नहीं लगता। एक आर्गुमेंट देना, एक बात करना चाहूँगा। आपने हकानी साहब की बात की थी, आपको याद होगा किसी ज़माने में बहुत सारे अमेरिकन्स को बहुत ज़्यादा वीज़ास दिए गए थे और यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गए थे उसकी वजह से, और इसी तरह के और बहुत सारे इशूज़ हैं जो पिछली गवर्नमेंट्स में आते रहे। मेरा ख्याल है इस वक्त आर्मी को भी रियलाइजेशन है और इस वक्त इमरान खान साहब को भी बहुत रियलाइजेशन है कि हमें स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करना होगा, गवर्नेंस बेहतर करनी होगी, और ये गवर्नेंस, इकोनॉमी, सिक्योरिटी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये मतलब ये तो बातें तसव्वुराती बातें हो गई ना, असल बात ये है कि जो कुछ इमरान खान ने लोगों को कहा, वादे दिलवाए, देखना ये है कि इस मजबूत हिजब इख्तलाफ होने के बावजूद, दुश्वारियों के बावजूद, वो कौन सी चीज़ें हैं जो पहले 10 दिनों में, 1000 दिनों में, 100 दिनों में लोग होते हुए देखेंगे और उनको ये एहसास होगा कि उनके लिए एक ऐसी हुकूमत है जो ना सिर्फ उम्मीद दिला रही है बल्कि वादों पर अमल भी कर रही है। व्हाट वुड ही डिलीवर? सबसे पहली बात जो इमरान खान करना चाहेंगे वो है उनकी तरजीह इस बात की कि हमने इस मुल्क को बेहतर बनाना है, जो कि गुज़श्ता हुकूमतों में
ترجیح جو تھی وہ اپنے خاندان کو اپنی پارٹی کو بہتر بنانا تھا. تو سب سے پہلی بات کہ انہوں نے ترجیحاً یہ پریفرنس رکھی ہے کہ ہم نے اس ملک کو صحیح ٹریک پر چلانا ہے. دوسری بات انہوں نے سٹیٹس کو بریک اپ کرنا ہے, جو کہ سٹیٹس کو رہا ہے یہ جماعتیں چاہتی ہیں کہ جی وہ ڈائنیسٹک پالیٹکس چلے اپنے بندوں کو. کرونی ڈائنیسٹک پالیٹکس میں ختم تو نہیں ہوئی رانا صاحب اس الیکشن سر, اگر وہ میں دیکھیں میری بات سنیں, اگر آپ نیشنل انٹرسٹ کو فالو کر کے چل رہے ہیں تو ڈائنیسٹک پالیٹکس بری چیز نہیں ہے, لیکن جب آپ جب پرسنل اور فیملی اور پارٹی انٹرسٹ کو فالو کریں گے تو یہ بری چیز ہے. سب سے پہلے تو وہ ہیومن ڈیولپمنٹ پر فوکس کر رہے ہیں جو میجر بات ہے. اب ہیومن ڈیولپمنٹ کو آپ جب نیچے کی طرف دیکھ رہے ہیں تو کیا مطلب ہے, صحت, تعلیم, میرٹ, ٹرانسپیرنسی, قومی احتساب, اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے کہی کہ ماحول کو بہتر بنانا تاکہ ہم یہاں قائم رہ سکیں. یہ مجھے بڑی ایک بات کہنے دیں کہ یہاں پر جو ہمارے اینکرز بیٹھ کے میڈیا پہ خام خامے عمران خان صاحب کو ایک احمقانہ طریقے سے مہاتیر سے یا قائد اعظم سے ایک موازنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے کہ قائد اعظم 1947 میں تھے اور 1947 کے قائد اعظم جو تھے وہ 1932 میں برصغیر سے چلے گئے تھے گاندھی کی ہٹدرمی پہ. تو اگر وہ آج اس ملک میں ہوتے تو ایسے جو پولیٹیکل ڈماغ ہوتے وہ کب کے بھاگ چکے ہوتے. تو خان صاحب نے بڑی فیس کی ہیں مشکلیں, مہاتیر ایک مختلف ملک میں بیٹھا, یہ ملک بالکل مختلف ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے جو قومی احتساب کا نعرہ لگایا ہے, آپ خود سینئر اساتذہ میں سے ہیں, میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, سکولوں میں یہ ٹیچروں کو یہ کہنا کہ پڑھائی بہتر کریں آسان کام نہیں ہے. عرض یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتے ہوتے تو لگ جائیں گے 2 سال, تو کون سے انیشل ایسے فیصلے ہیں جو پی ٹی آئی کرے گی تو لوگوں کا اعتماد. بڑے آسان اس نے یہ سوچ لیا ہے کہ اداروں میں سربراہ ٹھیک بٹھانے ہیں, یہ سب سے پہلا قدم ہوگا بہتری کی طرف کہ اداروں کے اوپر جو سربراہ ہیں وہ میرٹ پر لگائے جائیں اور قابل لوگ لگائے جائیں, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. جب یہ ہو جائے گا تو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آئے گا, آپ دیکھیے گا, اور یہ بڑا جلدی ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں بری بات ہے, لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید ہم سیاسی پارٹیوں پر اعتراض کر رہے ہیں. آپ نے نیشنل بینک کا ہیڈ اس کو لگایا جو آپ کی منی لانڈرنگ میں آپ ایگزیکٹلی آپ اب سندھ میں دیکھ لیں, حسین لوائی صاحب کو آپ نے بینک میں لگوا دیا, اس کے ذریعے آپ نے ساری منی لانڈرنگ کی. پولیس میں وہ لوگ لگائے جو آپ کے ساتھ جرموں میں ملوث تھے. تو یہ میں آپ کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں کہ عہدوں پر, اہم عہدوں پر اچھے لوگوں کو لگانے سے ہی لوگوں میں اعتماد آ گیا. کون کون سے 10-15 ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اچھے لوگ لگائے جائیں؟ سب سے پہلے فائنانس منسٹر میں ٹھیک کہ وہ بہت قابل آدمی ہونا چاہیے اور وہی آدمی ہونا چاہیے جو نیشنل انٹرسٹ کو فالو کرے گا. آپ کا ڈیفنس منسٹر بہت قابل آدمی ہونا چاہیے. تیسری بڑی بات, آپ کا وزیر خارجہ جو ہے یہ بہت ہی اہم انسان ہونا چاہیے. یہ تین عہدے تو میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے, سٹیٹ بینک کے گورنر ہیں. سر یہ میں بتاتا ہوں کہ فائنانس منسٹر آپ کا ٹھیک ہوگا نا, تو آپ کا جو گورنر سٹیٹ بینک کا وہ بھی وہی آدمی آئے گا جو کیپیبل ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایف بی آر کا جو ہیڈ ہے جی وہ کوئی بہت زیادہ ہمت والا اور ایک سوچ سر نیت اچھی رہے. آپ دیکھیں خان صاحب کی نیت اچھی ہے, سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کی نیت کے بارے میں کوئی شک نہیں کر رہا. آپ کی جب بات کرتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں میں اداروں کو مضبوط کروں گا جی, اس سے کیا مراد ہے اور کن اداروں کو مضبوط؟ میں نے ابھی یہ کہا نا کہ اداروں کو مضبوط کرنے سے مراد ہی یہی ہے ان کی کہ جی میں اداروں میں جو سربراہ لگاؤں گا وہ میرٹ کے مطابق خود ایماندار ہوں گے. جب ہم صوبائی لیول پہ بات کرتے ہیں, صوبائی لیول پہ ساجد صاحب کون سے ادارے ہیں جہاں پر اچھے سربراہان لگائے جائیں تو ان اداروں کی کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ہاں, جو ایگزیکٹلی انہوں نے کے پی کے اندر کیا ہے, آپ وہاں پہ ہیلتھ کی فیسلٹیز کو دیکھ لیں. اصل میں تو دو چیزیں ہیں بیسک, ایک یہ ہے کہ آپ نے گورننس کو بہتر کرنا ہے تاکہ آپ کی اکانومی اور سیکیورٹی کو بہتر کیا جا سکے, اور دوسرا آپ نے ساتھ ساتھ آپ نے میسج کو خوش رکھنا ہے. یہ دو چیزیں جو انہیں بٹ اگین پروینشل لیول پہ کس کو لگایا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر اشفاق صاحب آ گئے جی, اچھا بریک پہ جانا ہے جلدی بتائیں. تو ان کی جو چوائس ہے جو ہیلتھ کے ریلیٹڈ, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, پولیس کے ہیڈ اور پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی بڑی ضرورت ہے. میں بات کر رہا تھا جی ایف بی آر کے کچھ لوگوں سے, انہوں نے کہا جی ہمیں امپاور کریں, ہماری تنخواہیں بڑھائیں, ہم ڈیلیور کر کے دکھائیں. مجھے کہا جا رہا ہے کہ بریک کی طرف جائیں, اور بریک پہ جانے کے پھر ہم دیکھیں گے کہ اقتصادی میدان میں پاکستان میں کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے. بریک پہ چلتے ہیں ناظرین. ناظرین, لوگ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اصل چیلنج دراصل معاشی اور اقتصادی چیلنج ہے, وہ کہ پاکستان میں شرح
हमारा जीडीपी ग्रोथ अच्छी है और पाकिस्तान में लोग जो है कारोबार कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास खसारे का और बैरूनी कर्ज़ों का बहुत बड़ा मसला है। इन मसाइल से हम कैसे निपटेंगे? डॉक्टर अशफाक हसन हमारे बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि आज जिस जगह पर हम मौजूद हैं, इतना खसारा और इतना बड़ा कर्ज़ा, कल असद उमर साहब ने कहा है कि 90 बिलियन डॉलर का है, हम यहाँ तक जो पहुँचे हैं इसका ज़िम्मेदार हम किस हुकूमत को ठहराएंगे? सर, हम जिस तेज़ी से हमने पिछले 10 सालों में अपने ऊपर कर्ज़ा चढ़ाया है, ये कभी मिसाल ही नहीं मिलती है पाकिस्तान के 70-71 साल की हिस्ट्री में। 2007 तक, यानी 1947 से लेकर जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 2007 तक, यानी 60 ईयर्स में हमने जो टोटल कर्ज़ा एक्यूबुलेट किया था, बैरूनी कर्ज़ा, वो 40 अरब डॉलर था। और 2008 से लेकर 2018, ये 10 साल है, इस 10 साल में हमने कोई 55 बिलियन डॉलर नेट ऐड किए हैं 10 साल में। सिर्फ 60 साल में 40 बिलियन और 10 साल में 55 बिलियन डॉलर। और अगर मैं रिजीम वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो पिछली हुकूमत ने कोई 21 बिलियन ऐड किए थे और इन्होंने कोई 35 बिलियन ऐड कर दिए हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे सिलसिला रहा है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अपनी डिस्कशन बढ़ाने के लिए इंटरप्ट करूँगा। यह आप बात दुरुस्त की कि तरक्याती कामों के नाम पर पैसे का बड़ा बेदरेख जो है इस्तेमाल किया गया। इन तमाम मुश्किल के बावजूद डॉक्टर प्रोफेसर अशफाक साहब, पाकिस्तान को क्या इस वक्त कुछ इकतसादी मौाक़े और आगे बढ़ने के रास्ते नज़र आ रहे हैं? सर, रास्ते बहुत हैं और चैलेंजेस भी बहुत हैं। इस वक्त जो सख्त और इमीडिएट ज़रूरत है वो है कि हमारे पास, इस नई हुकूमत के पास, एक इकोनॉमिक टीम हो। लफ्ज़ में बार बार टीम पे ज़ोर दे रहा हूँ। अब तक हमारे सामने असद उमर साहब आए हैं जो बहुत अच्छे हैं। उन्हें पाकिस्तान के इस वक्त माशी चैलेंजेस जो हैं इनका, उनको बिल्कुल उनको पता है। उन्हें लोग जानते हैं पाकिस्तान में, ख़ासकर हमारा प्राइवेट सेक्टर जानता है। लेकिन सर, जो हमारे चैलेंजेस हैं, एक असद उमर से काम नहीं चलेगा। इस हुकूमत को चाहिए कि ऐसे 5-6 लोग हों इस हुकूमत में मौजूद जो असद उमर को असिस्ट करें, उसको हेल्प करें। वो अच्छे लोग चुन के ये लगाएंगे, असद उमर कामयाब होगा, ये हुकूमत कामयाब होगी, इमरान खान साहब कामयाब होंगे, फिर दुनिया इन्हें याद रखेगी, उन 5-6 लोगों को याद। थोड़ा सा बहस को आगे बढ़ाते हुए, और आपकी अपने इंटरेस्ट में है कि अपने, ये बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। सारी दुनिया में ऐसे ही इकनॉमिक एडवाइजर टीमें बनती हैं, इकनॉमिक ज़ार होता है और वो लोग मिलकर मुख्तलिफ मईशत के पहियों को चलाते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, इस वक्त बहुत बड़ी बहस ये है कि पाकिस्तान को 10-12 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है। IMF जो है वो अमेरिका के ज़ेर असर होकर हमसे शायद इसकी सियासी कीमत मांगेगा। हम इतना पैसा सिर्फ कमर्शियल बैंकों से रेज़ नहीं कर सकते। हुकूमत कह रही है हम इस्लामिक बैंक के पास जाएंगे, हम बैरूनी मुल्क जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनसे भी हम तआवुन की अपील करेंगे। तो बताइए कि ये जो हमने 10-12 बिलियन डॉलर इकट्ठा करना है, क्या हमारी ये मजबूरी है कि सिर्फ हम IMF के पास जाएं और उनकी शरायत माने? सर, ये पता नहीं ये 12 बिलियन डॉलर कहाँ से टपक गया है, आसमान से टपका है, ज़मीन से निकला है, ये मुझे नहीं पता कि कहाँ से आया है ये और किसने ये कैलकुलेट किया है। अगर मेरी कैलकुलेशन पे पाकिस्तानी कौम को अगर एतबार है तो मैं आपको 3 सिनेरियो बताता हूँ। पहले यह कि अगर हम इसी तरीके से चलते रहे जैसे पिछले 10 सालों से चल रहे हैं, बस ठीक है, तस्वीरें हैं और एक्टिविटी हो रही है, बयानात हैं, जिसको हम बिज़नेस एज यूजुअल कहते हैं, तो सर हमें तकरीबन
20 से 21 बिलियन फाइनेंसिंग गैप है, 20 से 21 बिलियन डॉलर की जरूरत पड़ेगी, ये 12 नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हमें यहां से निकलना है और हमने माजी से डिफरेंट तरीके से काम करना है, तो बहुत सारे इकदाम करने पड़ेंगे, बहुत सारे इकदाम करने पड़ेंगे कि किस तरीके से हमने इम्पोर्ट को कर्व करना है, किस तरीके से एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, किस तरीके से रेमिटेंस को बढ़ाना है, किस तरीके से फॉरेन इनफ्लोस को बढ़ाना है, बहुत सारे पॉलिसी मेजर्स लेने पड़ेंगे। उससे ये होगा कि तकरीबन ये 10 बिलियन डॉलर का गैप आ जाएगा। थोड़ा और काम करेंगे तो ये गैप को 5-5.5 बिलियन का होगा, जो बड़ी आसानी से हम पूरा कर सकते हैं। तो ये बैठ के काम करने की ज़रूरत है इस पर। अभी तक मैंने नहीं देखा कि कोई सीरियस अटेम्प्ट हो रहा है बैठ के कहीं पर। इसी मन में मुझे ये इतला मिली है कि वो वजारत खजाना गए थे, वहाँ उनको ब्रीफिंग दी गई है। आपको मदाखल करते हुए मैं डॉक्टर, मुझे उन नंबरों पे इतबार नहीं करना चाहिए। आप बात ठीक कह रहे हैं कि नंबर के मामले पर तो पाकिस्तान को कई दफ़े शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। गो के हुकूमत ने कहा है कि वो जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का और FBR के हेड्स ऐसे लोग लगाएंगे जो काबिल एतबार हो। मेरा आपसे अगला सवाल ये है, असद उमर साहब की जो ये तजवीज़ है कि हुकूमत के वो तमाम इदारे जो नुकसान में हैं, PIA हो, स्टील मिल हो और बेशुमार, उन तमाम को वो एक ऐसे फंड के नीचे रखेंगे जिनको चलाने वाले लोग सारे प्राइवेट सेक्टर के होंगे, और उनको इजाज़त देंगे कि वो ऐसे फैसले करें जिनकी वजह से ये कॉरपोरेशन मुनाफा बख्श हो सकें। सवाल ये है कि इन सब पे कर्ज़ा है, पैसा तो हुकूमत को देना पड़ेगा। अब मुझे याद है एक दफ़ा आप और मैं किसी स्कूल में लेक्चर दे रहे थे, तो आपने कहा था जनाब 1 रुपए पे भेज दें ये इदारे कभी भी मुनाफा बख्श नहीं होंगे। तो ये जो रियासती इदारों का इतना बड़ा खला है और जो डेफिसिट है, क्या जो हुकूमत तजवीज़ पेश कर रही है उससे कुछ बेहतरी आ सकती है? सर, हकीकत यह है कि मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि क्या प्लान है प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। मुझे वाकई नहीं समझ में आया है कि यह सॉवरेन वेल्थ फंड का प्राइवेटाइजेशन से क्या ताल्लुक है। देखें, कई तरीके हो सकते हैं प्राइवेटाइजेशन के लिए। एक तो मैं आपसे 10 साल पहले जो कह रहा था कि अगर इसको कोई बेच खरीदना चाहे तो 1 रुपए में बेच दो, ताकि हम 500 अरब जो है वो बचा सकते हैं, जो हमें हर साल हमारी ब्लीडिंग हो रही है, इनको ज़िंदा रखने के लिए। लेकिन सर, बात यह है, क्या वो 1 रुपए में भी कोई नहीं लेगा? तो इसको कैसे करना है? बहुत सारे तरीके हैं। जो तरीका भी असद उमर साहब ने बताया है, ये वाकई मेरी समझ में नहीं आया है, इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ सॉवरेन वेल्थ फंड का जिक्र किया है, वो कोई और चीज़ होती है, प्राइवेटाइजेशन कुछ और है। तो बहरहाल, ये इसकी क्लैरिटी जब बाद में जब ये हुकूमत में आ जाएंगे और जब ये काम शुरू करेंगे, बताएंगे, तो उस वक्त क्लैरिटी होगी, तो फिर कुछ कमेंट किया जा सकता है। मैं बहुत मशहूर हूँ डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। थोड़ा सा हम आते हैं कि असल मसला तो ये है, हमने अपने बिज़नेस आना है जी, क्योंकि मिलें नहीं चल रही, लूमें नहीं चल रही, लोगों की दुकानें नहीं चल रही। और दोबारा मैंने हुकूमत की इसमें तजवीज़ें पढ़ी हैं, हम बिजली सस्ती करेंगे, रिफ़ंड वापस करेंगे। जब तक अपने मुकामी बिजनेसेस हमारे नहीं चलेंगे, लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, टैक्स इकट्ठा नहीं होगा, तो अपनी जो एक हमारी कह लें मुकामी बिजनेसेस हैं, खा वो परचून का बिज़नेस है, खा वो गाड़ी बनाने का बिज़नेस है, अपनी मुकामी मईशत को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं ताकि इसमें से पैसा भी निकले, रेवेन्यू भी आए और लोगों को नौकरियाँ भी मिलें? जन साहब, एक ही हल है, स्टेटमेंटशिप का मुजाहरा करें, जो कंसर्नड लोग हैं उनके साथ कंसल्टेशन करें। ठीक है, आप कंसल्टेशन करेंगे, वो आपको रिकमेंडेशंस देंगे, आपकी टेक्सटाइल तबाह हुई पड़ी, आप उनसे बात करेंगे, वो आपको हल बताएंगे, फिर आप अपने जो इंडिविजुअल्स जो आपने अपॉइंट किए हुए हैं उनके साथ बैठ के आप पॉलिसीज बनाएं। अगर आप ये कर देंगे तो आप यकीन मानिए हर चीज़ में बेहतरी आ जाएगी। गवर्नेंस का मतलब ही है, रूल करना डिक्टेटरशिप अथॉरिटेरियनिज्म डिफरेंट चीज़ है। डेमोक्रेटाइजेशन के अंदर होता ही ये है कि आप जिन लोगों के बारे में पॉलिसी बना रहे हैं उनसे मुशावरत कर लें, एक तो ये एक एलिमेंट होगा। दूसरा एलिमेंट ये होगा जो राणा साहब ने बात की थी कि जिन इंडिविजुअल्स को आप राइट इंडिविजुअल्स को लगाएं, फिर उनको आप एम्पावर करें। FBR के लोग मुझे यही कहते रहे कि सर, हम जब कुछ एक्शन लेते हैं पीछे से हमें रोक दिया जाता है कि आपने ये नहीं किया। FBR की बात पर राणा साहब आपके पास आते हैं, हुकूमत ने ये कहा है कि FBR
جس نے ٹیکسیشن کی پالیسی بنانی ہے اور ریونیو اکٹھا کرنا ہے اس میں سیاسی مداخلت ہے, کس کو بھرتی کرنا ہے, کون سا ٹیکس لگانا ہے, کس کو ریفنڈ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہم ایف بی آر پہ اچھا آدمی لگاتے ہیں, ٹیکس بے شک کم کر دیں لیکن لوگوں سے ٹیکس لیں. اور پھر یہ جو اب پہلے بھی بات ہو رہی تھی حکومتی اداروں کی, ہمارا اتنا پیسہ لوگ کہتے ہیں دبئی میں پڑا ہوا ہے, لندن پڑا ہوا ہے, تو کیا پاکستان اپنے ٹیکسیشن کے نظام کو بہتر کر کے اپنے ریونیوز کو بہتر کر سکتا ہے؟ اور کیا جو باہر ہم روز نعرے مارتے ہیں دبئی میں دولت, لندن میں دولت, یہ اس میں تو تھوڑا بہت کچھ واپس آ سکتا ہے یا یہ بہت مشکل کام ہے؟ دیکھیں کوئی بھی ملک جو ہے وہ ترقی جب کرتا ہے تو وہ اپنے نظام حکومت, جیسے اب یہ بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کی, میں نہیں سمجھتا کہ وہ کچھ جمہوریت کی وجہ سے کرتا ہے. مثلا آپ چائنا کو دیکھ لیں, وہ تو جمہوریت کو نہیں مانتے لیکن آج ڈبل ڈیجٹ گروتھ ریٹ ہے. تو آپ کی سسٹم کیپیبلٹیز ہوتی ہیں کہ جن سے کام چلتا ہے. جو آپ نے ابھی بات کی ٹیکس کلیکشن کی, اس کو ہم پولیٹیکل سائنس کی زبان میں کہتے ہیں ایکسٹریکٹیو کیپیبلٹی. کہ آپ کے اندر آپ کی سسٹم کی جو ایکسٹریکٹیو کیپیبلٹی ہے وہ کتنی اچھا کام کر رہی ہے. بادشاہ بھی توان لیا کرتے تھے پرانے زمانے, اور وہ ایکسٹریکٹیو کیپیبلٹی جتنی ایفیشنسی ہوگی اس کے اندر, اس کے بعد اس کو دیکھنا اس کو ریگولیٹ کیسے کیا جا رہا ہے, کہ کیا کہیں آپ اپنے کرونی کیپیٹلزم کا شکار تو نہیں ہے, اپنے لوگوں کو قرضہ دے کے پھر معاف بھی کروا لیتے ہیں, ایسا تو نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کو ریگولیٹ ذمہ داری سے کر رہے ہیں تو اس کے اکنامک فروٹس بھی ڈسٹریبیوٹ بھی اسی ایکویٹیبلی ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسد عمر صاحب کی یہ ایک پالیسی ہے جو شاید آپ مس کر گئے. انہوں نے بار بار کہا ہے کہ پاکستانی ڈائسپورا جہاں بھی دنیا میں کام کر رہا ہے, ہم اس کے ذریعے سے ان کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کہیں گے اور وہ یقین ہماری مدد کریں گے. بڑی یہ حقیقت ہے کہ عمران خان کو پاکستان کے اندر بھی اور دنیا میں ان کی مقبولیت بڑی ہے, ان کی شخصیت کا یہ تاثر ہے. اوباما کو یہ ایک بڑا یہ ایڈوانٹیج تھا, مودی کو ایڈوانٹیج ہے اس کو انڈیا میں, یہ کوئی غیر فطری بات نہیں ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستانی لندن امریکہ دبئی سعودی عرب بیٹھا ہوا ہے وہ صرف پی ٹی آئی کے آنے پر ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہوگا یا وہ کچھ اور بھی دیکھنا چاہے گا؟ آبویسلی جی, وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ انہیں کچھ چیزیں دی جائیں. پاکستان کے اندر آ کے آپ نے ایک بزنس کرنا ہو تو آپ کو 10,000 چیزیں تو لائسنس لینے کے لیے کرنی پڑتی ہیں, گورننس کا سسٹم بہتر کرنا پڑے گا. لیکن جو ایک اچھی چیز ہے کہ جو ریپیوٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اثر کرتی ہے, اور عمران خان صاحب کی ریپیوٹ بہت اچھی ہے. کینسر کے ہاسپٹل کے لیے لوگوں نے ان کو پیسے دیے ہیں, اگر وہ لوگوں سے اپیل کریں گے. لیکن اس کے لیے بھی پھر ضروری ہے کہ وہ گورننس کے سسٹم کو بہتر کرنے جائیں. تو میرے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کم از کم جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں ان کی نیک نیتی نظر آتی ہے, اور ان کی شخصیت جو ہے اس کے اوپر بھی لوگوں کو یہ اعتماد ہے کہ اگر وہ مشکل کام کرنے کا بیڑا اٹھائیں تو وہ عمومی طور پر اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں. ہم ایک نیک اور خوشحال پاکستان کے لیے دعا کرتے ہوئے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ ناظرین.